तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मीडिया के बारे में। तुम लोगों को पता ही होगा कि आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है। अल्पेश यादव को जेल में डाल दिया गया और हमारा इंडियन मीडिया उसको उछाल उछाल कर बता रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब ताज होटल में हमला हुआ था तो अंदर बैठे हुए थे, उस टाइम पे वो टीवी देख रहे थे और हमारा इंडियन मीडिया इतना अच्छा है, बाहर से एक एक चीज की खबर बता रहा था कि अभी हेलीकॉप्टर आ गए हैं, अभी एनएसी कमांडो आ गए हैं, ये आ गया है, वो आ गया है। उनको एक एक पल की खबर बताने वाला हमारा इंडियन मीडिया। लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट को छोड़कर कच्चा बादाम वाली दीदी को दिखा दिखा कर व्यूज बटोरने वाला हमारा इंडियन मीडिया। 180 कंट्री में से 161 रैंकिंग करने वाला हमारा इंडियन मीडिया। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं एक साल पहले की, जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक एमएमएस लीक हो गया था लड़कियों का, जिसका सारा इल्जाम एक लड़के पे आ गया था। और हमारी सो कॉल्ड इंडियन मीडिया बिना किसी प्रूफ के कि वो लड़के ने एमएमएस लीक किया है या नहीं किया, उस लड़के की फोटो को टीवी पर दिखा दिखा के इन मीडिया वालों ने उस लड़के की लाइफ को स्पॉइल कर दिया पूरा का पूरा। और जबकि वो लड़का बाद में नॉन गिल्टी साबित हुआ, और जब वो लड़का नॉन गिल्टी साबित हुआ, हमारी इंडियन मीडिया ने ऐसे नजरें फेरी जैसे उस लड़के को जानते ही ना हो, उसकी लाइफ तबाह कर दी। उसके बाद हम कौन तुम कौन, हम नहीं जानते तुम लोगों को, भैंचोद उसकी सारी लाइफ खराब कर दी बंदे की। और सारे बात करते हैं क्वालिटी की, लड़की की फोटो को तो हाइड कर दिया, वो बेचारे लड़के का क्या, उसकी तो लाइफ खराब कर दी ना तुम लोगों ने टीवी पे दिखा दिखा के। और वो बेचारे लड़के का क्या, उसकी तो लाइफ खराब हो गई ना सारी की सारी, टीवी पे दिखा दिया उसको पूरा का पूरा। भाई ये है लड़का, इसने कांड किया है। और अगर नहीं पूरी बात का पता होता क्यों टीआरपी लेने आते हो? ऐसे ही तुम्हारे बच्चों को सोशल मीडिया पे कल को नंगा कर दे कि भाई ये वाले एंकर के बच्चे ने ये कांड कर दिया, दारू बेचता पकड़ा गया, गांजा बेचता पकड़ा गया, ये करता पकड़ा गया, तुम लोग झेल पाओगे? फिर ये अपना विक्टिम कार्ड लेके आएंगे कि नहीं भाई हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता, दूसरों का बच्चा कर सकता है, लेकिन है ना। बात उठी नहीं कि लगा दो आग पूरे शहर में। और जब वो बेचारा गिल्टी साबित नहीं हुआ तो उसको क्यों नहीं दिखाया वीडियो पे, क्यों नहीं दिखाया टीवी पे तुम लोगों ने? क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती ना, पहले टीआरपी बटोर ली उसकी जिंदगी खराब करके, और उसके बाद जब उसको कोर्ट ने नॉन गिल्टी साबित कर दिया तब तो कोई नहीं सामने आया, तब तो कोई उसकी वीडियो बनाने नहीं आया कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर हमने गलत इल्जाम लगा दिए थे, हमें माफ कर दो। कोई आया सामने? कोई नहीं आएगा। मीडिया साली, मीडिया कुत्ती मीडिया है ये। और अब ऐसा ही अल्पेश यादव के साथ कर रहे हैं ये लोग, भैंचोद गिल्टी साबित हुआ नहीं अभी तक, उसकी इमेज को ऐसे बिखेर दिया जैसे पता नहीं कितना बड़ा गैंगस्टर हो बंदा, वो कितना बड़ा कांड कर दिया उस बंदे ने, रेप पार्टी में जहर बेचता हुआ पकड़ा गया अल्पेश यादव, ये हो गया वो हो गया, अल्पेश यादव ने रोटी नहीं खाई, अल्पेश यादव ने टट्टी नहीं गई, भैंचोद उसको कच्चा भी बहना दो जाके। फिर उसके माँ बाप को टीवी पे ला ला के इतने इतने गंदे सवाल पूछ रहे हैं, इतने इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं उनके बच्चे पर, भैंचोद नरक में भी जाना नहीं मिलेगी तुम लोगों को, इतने नीच हो चुके तुम टीआरपी के चक्कर में। मैं कल से एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें अल्पेश के मम्मी पापा एक टीवी पे जा रहे हैं और उससे एक एंकर ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है कि भाई मेरे को एक टाइम पे लग गया कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई अभी तो कोई फैसला ही नहीं आया, ये लोग तो साबित कर चुके हैं कि हाँ उसने किया है कांड ये वाला। पहले माता जी आपका रुख करेंगे। मैम आपको पता था कि अल्पेश इस तरह के कारोबार में लिप्त है, वो जहर सप्लाई करता है, और अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? देखो भैंचोद ये पूरा का पूरा सवाल ही वैसा कर दिया कि इन लोगों ने मान लिया है कि अल्पेश यादव ये काम कर रहा है। वाह, उसके माँ बाप को पूछा जा रहा है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने रोका क्यों नहीं, और भैंचोद उसने किया ही नहीं है तो रोकेगा कौन है? पर मैम उसने अपना गुनाह कबूल लिया है, लिखित में स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है, और कई ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि इनको कौन ऐसा बेवड़ा है इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहा है कि जिसको लिखित में दे दिया उसने बंदे ने कि हाँ मैंने किया है, अभी तक हमें तो पता चला नहीं उसने किया है कांड ये वाला, तुम लोगों को पहले पता चल जाता है। आगे दिखा रहे हो, ये एक सिंगर की वो थी शूट थी, उसके ऊपर वो गए हुए थे और वहां से एक क्लिप उठाई गई है। पर ये अलग अलग लोकेशंस पर है मैम, एक जगह की नहीं है ये अलग अलग लोकेशंस की क्लिप है। एंकर मैडम अपनी घर की चारदीवारी से और ऑफिस से बाहर निकली एक बार, आपको पता चलेगा कि एक गाने को शूट करने के लिए अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है। अगर उसके घर वालों को पता है ना कि अलग अलग लोकेशन पे गाना शूट होता है तो मैडम जी आपको भी, ये देखो हाथ जोड़ के विनती है, आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप कौन से जिंदगी में जी रही हो, भैंचोद पता ही नहीं है कि अलग अलग लोकेशन पे भी गाना शूट हो सकता है। वाह, भैंचोद कैसे भी करके साबित करना है कि हाँ भाई उसने किया था, बस वो मर जाए क्या करे। बट जिस तरीके से अल्पेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर पुख्ता सबूत होंगे, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ऐसे हवा हवाई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुषमा जी। तो दीदी जब पुलिस उठाती है तो शक के बिना पे उठाती है, शक 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 होता है एक वर्ड, उसके बिना पे उठाया है उसको, साबित नहीं हुआ अभी तक कि उसने किया है, समझ आई? उसका नाम लिया गया है क्योंकि वो फेमस हो चुका है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको गिराने के चक्कर में उसका नाम लिया जा रहा है, बस और कुछ नहीं हुआ, तुम लोग तो साबित ही कर दी हो। राम अवतार जी, बतौर पिता
क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा इस तरह के गलत कामों में लिप्त है? क्योंकि माँ का मन कई बार नहीं मानता है, लेकिन बतौर पिता आप कई बार ये समझ जाते हैं कि सही राह नहीं है। देखिए, एक अर्श से फर्श तक का सफर एल्विश यादव ने बहुत जल्दी तय कर लिया है। कहां वो इतना बड़ा सुपरस्टार था, यूट्यूब का बादशाह था, और आज जेल की सलाखों के पीछे घुमा भी आ गए, वही भी आ गई कि अगर मां नहीं मान रही, चलो ममता है उसकी, नहीं मान रही होगी, बाप को पता होगा, वो मान जाएगा, उससे निकलवाते हैं बाहर। वाह भैंचोद, क्या लॉजिक लगाते हो तुम टीवी वाले। कोई अर्श से फर्श तक का सफर नहीं किया था उसने, सिर्फ तुम लोगों की वजह से वो फर्श पे आएगा। वैसे तो आएगा नहीं वो, मुझे पता है, लेकिन तुम लोग इतने नीच हो चुके हो अपनी टीआरपी के चक्कर में, तुम किसी को भी गिरा सकते हो, लेकिन वो गिरने वाला नहीं है, वो 14 दिन बाद वापस आ जाएगा, इतना हमें पता है। फिर ये मैडम साहिबा ने बोला कि इसके बाद लग्जरी गाड़ियां कैसे आई, इतने इतने फ्लैट, गांव में जमीन, गाड़ियां, ये वो कहां से आया? एल्विश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ड्यूप्लेक्स हैं। आपने देखे सर ये सब? नहीं, जो मेरा प्लॉट में घर बना रहा हूं 57 में, आपको पता है कहां से मिला है वो? दीदी वो काम नहीं करता, वो बिग बॉस नहीं जीता, उसके बाद प्रमोशन नहीं आएगी, यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर रहा वो, गाने नहीं बना रहा वो। वो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एल्विश यादव जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीता है सर, एक आम यूट्यूबर के लिए वो लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है। दीदी का मानना ये है कि एक यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला बंदा लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद सकता। नहीं, लाइफ चाहे आपके पास लाखों आ रहे हो, लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे। दीदी एक मिनट, जो आपका घमंड है ना, जो आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, या पता नहीं क्या पैसों की पट्टी है, या टीआरपी की पट्टी है, मुझे नहीं पता, मैं जरा उसको खोलना चाहता हूँ। एक बार यहाँ पे नजर मार लीजिए सिर्फ। नानी मैं डाकू, नी मैं डाकू, एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज़ ते आखे ओ खोले, नानी मैं डाकू। जितने क्या कोई लग्जरी जो हम कर रहे हैं, आपके सामने में बैठी हुई है कि हमने क्या पहना हुआ है, ठीक है, और हमारा लड़का क्या लग्जरी, वो सब देखते हैं। अच्छा, तो आपने इसका मायने ऐसे कर लिया कि वो लग्जरी चीज लाइफस्टाइल जीता है, रही बात, तो वो बिल्कुल अपराधी है, उसको मार, हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है, तो ये रिक्वेस्ट करने आए ना कि मीडिया ऐसी चीजें ना चलाए। बिल्कुल सही बात करी अंकल ने, बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ऐसा तमाचा मारा है ना इस एंकर के मुंह पे, बहुत खतरनाक वाला आंसर दिया अंकल ने। शर्म आनी चाहिए इस एंकर को, शर्म आनी चाहिए थोड़ी, इतनी सी शर्म अगर है ना, अगर कहीं पे भी दिमाग में या दिल में कहीं पे भी है ना, तो इतनी सी शर्म तो आनी चाहिए इस एंकर को। मैं कहता हूँ इस वीडियो की क्लिप्स निकाल निकाल के ना इस एंकर को टैग करो इंस्टाग्राम पे, इसकी औकात दिखनी चाहिए एक बार, इसको पता चलना चाहिए कि यूट्यूबर्स की पावर होती क्या है, यूट्यूबर्स के बाद होता क्या है। इसको जो लगता है ना कि यूट्यूबर कुछ नहीं कमा रहे, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कैसे आ रहे थे, इसको पता चले कि करोड़ों कहाँ से आ रहे हैं, समझ आना चाहिए इसको एक बार। तो बस यार वीडियो करते हैं इस पे समाप्त। अगर इफ एनी चांस कि उसने ऐसा किया है तो भाई उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर उसने नहीं किया ये काम और उसको बिना बात के जेल में डाल दिया गया है, तो मैं कहता हूँ कि उसके साथ गलत तो हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत कर रही है मीडिया, हमारी इंडियन मीडिया। एवेनी 161 रैंक पे बैठी हुई है, इसीलिए बैठी है क्योंकि बिना बात के इनको बस साबित करना है कि हाँ ये बंदा गिल्टी है, कोई फैक्ट नहीं चेक करना, कोई कुछ नहीं चेक करना, बस बिना बात के बोल देना कि हाँ ये गिल्टी है बंदा, उसके बाद वो गिल्टी हो ना हो उसकी खबर कोई नहीं आएगी। बस यार मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।